गार्डन इलाके का है जहां एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस खुद ही हमले का शिकार हो गई। मोहन गार्डन थाने में बदमाश आदिल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के तहत पूछताछ के लिए उसे पुलिस टीम पकड़ने गई थी, जो आदिल के समर्थक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उन्होंने लाठी डंडों और चाकू से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालांकि भीड़ आदिल को छुड़ाकर नहीं ले जा सकी और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस बीच सड़क पर फिर हंगामा। राजधानी में आम जनता तो क्या, अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। मामला रजौरी गार्डन इलाके का है जहां एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस खुद ही हमले का शिकार हो गई। रजौरी गार्डन इलाके के रघुवीर नगर में पुलिस आदिल नाम के बदमाश को पकड़ने गई थी। द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने की कई पुलिस टीमें इस काम में लगी हुई थी, क्योंकि मोहन गार्डन थाने में बदमाश आदिल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के तहत पूछताछ के लिए उसे पुलिस टीम पकड़ने गई थी। जैसे ही पुलिस ने आदिल को हिरासत में लिया, वैसे ही आसपास के लोग, जो आदिल के समर्थक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उन्होंने लाठी डंडों और चाकुओं से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस वालों को काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। कई महिला और पुरुषों ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर आदिल को छुड़ाने की कोशिश की। वेस्ट जिले के डीसीपी विचित्र वीर से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना रजौरी गार्डन और तिलक नगर थाना इलाके के बॉर्डर पर हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रजौरी गार्डन और तिलक नगर थाना के एसएचओ के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया और भीड़ को हटाया गया। हालांकि भीड़ आदिल को छुड़ाकर नहीं ले जा सकी और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन इस बीच सड़क पर खूब हंगामा भी हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस टीमों के मुताबिक इलाके की स्थिति और हालात को देखते हुए घटनास्थल और आसपास पुलिस टीम की तैनाती की गई है, ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। आपके अपने क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और देखते रहें जल को दिल्ली।